Hello dear students, good morning. Here is our class, second standard, test number 13, जू माइनर। इसमें आपका अभी डिस्टर्ब करा दिया था। इसके बाद आज जो है आपका पेज नंबर 61 पे ई दिया आपका फिल द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। फिल द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, ये है आपका फिल द ब्लैंक्स with the blank with the word with the word given below. With the blank with the word given below, यानी आपको कुछ शब्द वर्ड दिए गए हैं, आपको उसी वर्ड से जो है आपको फिल द ब्लैंक करना है। कंप्लीट बॉक्स पर जो है ये मेरे को आते एस जो आर एस सी एस आते रिले कैट कैट डॉग मिल्क grandmother cow cock and the last hen। ये बेटा आपका वर्ड दिया गया है, अपना फिल द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। ये जो नीचे आपको वर्ड दिए गए हैं इसी से आपको जो है फिल द ब्लैंक को भरना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, इसने दिया आपका इन जून वी वेंट टू अ इन जून वी वेंट टू अ फिल द ब्लैंक। ठीक है, क्या था इन जून वी वेंट टू अ, यानी कि जून में जो है हम गए थे कहाँ, एक गांव में, एक विलेज लगा। क्या बचा बेटा, यहाँ तक विलेज लगा। वी इन जून जून में जो है वी वेंट टू अ विलेज, यहाँ क्या है आपका विलेज डी आई एल ए सी। ठीक है, विलेज जाएगा जून में एक गांव में गए थे हम, एक गांव गए थे। वेयर माई वेयर जहाँ जो है मेरी कॉल फ्रीज ब्लैंक प्लीज माई फ्रीज ब्लैंक है आपका माई के बाद फ्रीज ब्लैंक यहाँ पर रहेगा आपका प्लीज चला दीजिएगा एल आई डी ई प्लीज। ठीक है, जहाँ जो है मेरी ग्रैंड मदर क्या जाएगा जी आर ए एन डी एम ओ जी आर ए एन डी एम ओ टी एच टी आर ग्रैंड मदर वेयर माई ग्रैंड मदर लिव, जहाँ जो है मेरी दादी माँ रहती थी। ठीक है, आपका इसके बाद आपका क्या है सी हैज ए फादर, सी हैज ए फादर on her path, on her path, on her path, there are many pictures, there are many animals. ठीक है, मुझे पास के पास जो है और कहती है और अर्थात देर आर मेनी एनिमल्स, और उसके खेत का जो है बहुत से जानवर रहते थे। ठीक है, वहाँ पर रहते हैं बहुत से जानवर रहते हैं, कई जगह रहते हैं। देर आर टू
on their car, their car to horse. यहाँ पे देखिए बता फिर बना रहा horse का तो घोड़े हैं यहाँ तक पता हो जाएगा there are two horse वहाँ पर जो है दो घोड़े हैं there are two horse same जो आज है there are two horse एक है two horse यहाँ पर आपका फिर ब्लैक है और तो क्या पूछेंगे इसके बाद क्या एक है दो घोड़े एक बिल्ली ठीक है विद इज टिकेट अपने बच्चों के साथ मिलने बच्चों क्या बोलते होगा टिकेट बोलते हैं ले आई नंबर टी ले आई नंबर टी की एन एस टिकेट There are two horses, a cat, which is seated. एक बिल्ली जो है वो घोड़े और एक बिल्ली जो है अपने बच्चों के साथ रहती है ठीक है three dogs, कौन वाले में आते हैं कौन वाले में a horse, a cat, kitten, यहाँ पर आपका काम हो जाएगा और उसके बाद आपका है three dogs, ठीक है तीन कुत्ते Every morning, she feeds her animal, she feeds her animal with in the bag. Or milk, like that, they drink water, from on the other. ठीक है ये जगह पर चलिए इसी पानी
युवा जो है इस पर गिरा दिया है और इनके पास अपने जानवर को क्या हे और मी सूखी घास है मेरे साथ का सूखी घास ऐसे वाली है और ये सब दूध मेरी ठीक है जब भी वाटर में मैं पानी पीते हैं कहाँ गांव में और वे कहाँ पानी पीते हैं पौन भी तालाब पियो जब तैयार कर पा जाएगा तो ठीक है दे ड्रिंक वाटर जब हम पानी पीते हैं फ्रॉम पॉन्ड एक तालाब से एक तालाब में ठीक है ऑन द फार्म यानी कि जहाँ पर उसका था ठीक है वहाँ पर जो है वह पॉन्ड से एक तालाब से पानी पीते हैं ठीक बच्चों ये आपका जो है दूसरे वर्ड वाक्य है इन्हीं वर्ड का जो है प्रयोग करके जो है आपको ये जो आपका दिया था इसको आपको फिल करना था इस तरह जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद बेटा यह आपने कहा रहा था तो आज इसके बाद यह है करा हैव यू एवर बीन अ जू इफ यस राइट योर एक्सपीरियंस of visiting a zoo in the lines given below. यहाँ पर बेटा आपको कह रहा है कि have you ever been a zoo? आप क्या आपने कभी चिड़ियाघर देखा है क्या आप कभी चिड़ियाघर में गए हैं जो भी चिड़ियाघर इफ यस या भी हाँ तो राइट योर एक्सपीरियंस राइट योर एक्सपीरियंस अपने जो है अनुभव को आपको लिखना है of visiting zoo. जो visiting a zoo in the lines given below. जब आप चिड़ियाघर में घूमने के लिए यात्रा करने के लिए घूमने के लिए गए थे तो उस अनुभव को आपको इस लाइन में नीचे दिए गए लाइन में आपको लिखना है बेटा ठीक है बच्चों तो इसको जो है आप लोग कंप्लीट कर लेंगे अभी आपको अपने चिड़ियाघर के बारे में आपका जू मैनेज के बारे में पढ़ा गया क्या क्या होती है चिड़ियाघर में ये सारी चीज़ें और इसमें से आपको जो भी चीज़ें दी गई है आप अगर चिड़ियाघर में गए हैं कभी तो उसको आप उसको कंप्लीट करेंगे लिखेंगे ठीक है और उसके बाद आपका जो दिया है और इसमें इतना आपका क्वेश्चन आंसर और राइट थ्री पार्ट टू कंपल्सरी चेकअप में उसको आप लर्न कर लेंगे क्वेश्चन आंसर करने का आपसे कहा गया था सी कंप्लीट जो आपका ग्रामर यूनिट में था कंप्लीट द फॉलोइंग वो लाइक और कुछ एनिमल्स के नाम और उन्होंने बताया था आपको जानवरों के नाम और उनकी साउंड को उनकी आवाज़ को कैसे वो बोलते हैं कैसे वो करते हैं उनको भी आपको रन करने के लिए कहा गया था ठीक है उम्मीद है आपको उसको रन कर लिया होंगे और इस आपका जो महीना आगे को कंप्लीट हो गया और इसके बाद न्यू लेसन है न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 14 न्यू चैप्टर का है 14 द स्काई इज फॉलिंग डाउन यानी कि आकाश जो है गिर रहा है स्काई मीन्स आकाश फॉलिंग डाउन मीन गिर रहा है आकाश जो बेटा गिर रहा है इसको जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तब तक के लिए बाय बाय